नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज आपको एक गुड न्यूज देने वाला है क्रिप्टो करेंसी मार्केट से रिलेटेड और बिटकॉइन से रिलेटेड कि क्या कुछ हुआ है यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। कल यहाँ पर जो क्लोजिंग हुई है वो किस तरीके की क्लोजिंग हुई है, अब हम यहाँ पर क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, क्या अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, क्या ऐसा कोई इंडिकेशन मिल रहा है मार्केट के अंदर कि यहाँ पर अब मार्केट बुलिश हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड, और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत दिनों से हम एक एनालिसिस कर रहे थे कि हो सकता है कि बिटकॉइन का प्राइस जो है वो $40,000 तक नीचे चला जाए, लेकिन अब ये लगता है कि शायद ये जो एनालिसिस है शायद ये इनवैलिडेट होते हुए नजर आ रही है। हो सकता है कि ये जो एनालिसिस है $40,000 तक जाने के लिए बिटकॉइन की, ये शॉर्ट टर्म में शायद ये पॉसिबिलिटीज ना हो, लॉन्ग टर्म में कभी अगर बिटकॉइन अगर $40,000 तक अगर आएगा तो आएगा, लेकिन हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज शायद ना बने। और यहाँ पर मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कल हमको एक ऐसा क्लोजिंग मिला है, जो कल की जो क्लोजिंग हुई है जो भी कुछ घंटे पहले ही हुई है, वो एक ऐसी क्लोजिंग मिली है हमको जो कि काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, और यहाँ पर मार्केट में हमको काफ़ी ज़्यादा लंबी एक उछाल देखने को मिल सकती है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। तो फटाफट से चलते हैं यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट पे, क्योंकि बिटकॉइन ही एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम यहाँ पर चार्ट देखकर काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें पता लगा सकते हैं। तो ये रहा बिटकॉइन का वीकली चार्ट, हम आते हैं डेली चार्ट के ऊपर। ये चैनल मैंने आप सब लोगों को बताया था, वैसे तो ये बुल फ्लैग नहीं कहलाएगा, राइट, ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, राइट, मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। लेकिन साथ के साथ मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि देखिए ये जो चैनल है ये चैनल नीचे या ऊपर दोनों में से किसी भी जगह भी ब्रेकआउट हो सकता है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ नीचे ही ब्रेकआउट होगा। अगर नीचे ब्रेकआउट होता तो उस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि क्या टारगेट हो सकते हैं, और अगर ऊपर ब्रेकआउट अगर होता है तो उस कंडीशन में क्या कुछ टारगेट हो सकते हैं उसके बारे में आज बातचीत करेंगे। और मेरे हिसाब से हमें जो यहाँ पर कैंडल क्लोजर मिला है आज उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं चार्ट को, डेली चार्ट पर आ जाते हैं। देखिए कल मैंने आप सब लोगों को जो वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट अगर होता है तो उस कंडीशन में जो टारगेट्स होंगे वो ऑफकोर्स मार्केट में $40,000 के नीचे टारगेट हो सकते हैं। क्या इस चीज़ की पॉसिबिलिटीज खत्म हो चुकी हैं? देखिए मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि पॉसिबिलिटीज बिल्कुल भी नहीं है, राइट, कि मार्केट $40,000 तक या फिर वैसे जा ही नहीं सकता, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं। लेकिन मैं ये चीज़ बोलूंगा कि अब ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ चुकी है, वो इंक्रीज हो गई है, कि ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। क्यों इंक्रीज हो गई है उसके बारे में बातचीत करते हैं। देखिए ये है डेली चार्ट और डेली कैंडल्स हम यहाँ पर देख रहे हैं, और डेली कैंडल्स पर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमको एक चीज़ नज़र आएगी कि ये जो कैंडल क्लोजर हुआ था, राइट, ये जब मार्केट 59,800 से मार्केट जब यहाँ पर बाउंस किया था, तो यहाँ पर जो ये जो कैंडल क्लोजर हुआ था इसको हम बड़े ध्यान से अगर हम देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये हुआ था राउंड अबाउट 62,800 के अप्रॉक्स, ठीक है, 62,800 के अप्रॉक्स हुआ था ये कैंडल क्लोजर, ठीक है। और अगर हम आज का कैंडल क्लोजर अगर हम देखें यहाँ पे, राइट, ये जो कैंडल क्लोजर हुआ है आज, तो इसको अगर हम देखेंगे तो हमको यहाँ पर दिखाई देता है कि आज का जो कैंडल क्लोजर है वो हुआ है 63,206, राइट, 63,206, ठीक है, ये हमारा कैंडल क्लोजर हुआ है आज। तो ऑफकोर्स ये वाला कैंडल क्लोजर ऊपर की तरफ हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोजर्स के मामले में यहाँ पर ये जो क्लोजर था उसके मामले में हमको एक ऊपर हायर क्लोजर जो है वो मिल चुका है, ठीक है, हायर हाई नहीं बोलेंगे, हायर क्लोजर मिल चुका है प्रीवियस हायर हाई क्लोज से अगर हम कंपेयर करते हैं। तो पहले क्या हुआ था, पहले ये चीज़ हुई थी यहाँ पर कि मार्केट में ये जो क्लोजर था उसके नीचे हमको यहाँ पर क्लोजर मिला था, जिसमें कि हमको ये चीज़ था कि हाँ यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, और उस बारे में हमने यहाँ पर बातचीत भी करी थी कि और हमको यहाँ पर लग भी रहा था कि हो सकता है कि मार्केट फर्दर और डाउन चला जाए, लेकिन नीचे यहाँ पर आते ही मार्केट जो है वो वापस ऊपर की तरफ बाउंस कर गया और हमको एक हायर हाई, और मतलब हायर हाई नहीं, हायर क्लोजर बेसिकली हमको दे दिया अभी तक। हायर हाई तो हमको तब मिलेगा जब मार्केट में हमको यहाँ पर 64,500, राइट, ये जो लेवल है जहाँ पर आप ये ऊपर विक देख रहे हैं 64,500, ये जो लेवल है इसके ऊपर जब बिटकॉइन यहाँ पर ब्रेक कर जाएगा तो
तो हमको एक हायर हाई मिल जाएगा। और मेरे हिसाब से अब ये हायर हाई बहुत जल्दी मिल सकता है, जब हमको एक क्लोजर बुलिश मिल सकता है तो हमको यहाँ पर अल्टीमेटली यहाँ पर ये भी बुलिश मिल सकता है। अब यहाँ पर ऊपर जाने की जो रीजंस हैं, अगर हम सिंपल बात करें तो यहाँ पर करेक्शन, ये जो यहाँ पर करेक्शन है ये कंप्लीट हुई हो सकती है, राइट। अगर आप ये चीज़ देखेंगे, हमने ट्विटर पर एक ट्वीट किया था और हमने साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी एक चीज़ डाली थी कि देखिए यहाँ पर अगर ये जो ड्रॉप है, ये ड्रॉप अगर 57,700 के ऊपर ऊपर ही रहता है, क्योंकि ये जो लेंथ थी, ठीक है, ये अगर हम इसको मान लें कि करेक्शन में तीन वेव्स होती हैं ए बी सी, तो अगर हम इसको ए मानते हैं और उसके बाद अगर हम इसको यहाँ से सी मानते हैं ये वाला, ठीक है, तो इस तरीके से होता है कि दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी, राइट। तो ये जो ए है और ये जो सी है, तो उस कंडीशन में हमको यहाँ पर नजर आता है कि ये जो है मैक्सिमम ड्रॉप जो है 57,700 के आसपास, एंड मैक्सिमम हम ये चीज़ मान सकते थे कि ये जो ड्रॉप है 57,500 का जो सपोर्ट है वो ब्रेक ना करे तो चलेगा, ठीक है। उस कंडीशन में हम जो है यहाँ पर बुलिश रह सकते हैं, अगर ये ब्रेक नहीं करेगा तो तब हम बुलिश हो सकते हैं। लेकिन अगर ये ब्रेक कर नीचे चला जाता और इसके नीचे कैंडल क्लोजर्स मिलती, 57,500 के नीचे हमको यहाँ पर कैंडल क्लोजर्स अगर मिलते हैं, तो उस कंडीशन में हमको यहाँ पर बेयरिश ही हमको सिनेरियो मिलने वाला था। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ हमको जो चीज़ मिल रही है, आप अच्छी एक चीज़ कह लीजिए या फिर यहाँ पर आप कुछ भी चीज़ कह लीजिए, जहाँ पर कि हमको अभी यहाँ पर बुलिश कैंडल क्लोजर मिला है, राइट। तो यहाँ पर बुलिश कैंडल क्लोजर होने की वजह से नाउ आई एम टर्निंग बुलिश, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास एक कन्फर्मेशन है जिसमें कि बुलिश है, क्या यहाँ पर मार्केट नीचे आ सकता है? जी हाँ, पॉसिबिलिटीज होती हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज तभी होंगी जब हमको यहाँ पर प्रीवियस ये जो बेयरिश कैंडल था, यहाँ पर ये जो प्रीवियस जो बेयरिश कैंडल था, इसके नीचे आकर कैंडल क्लोजर मिल जाए डेली का, तो वो कहाँ पर होगा? देखिए यहाँ पर जो प्रीवियस जो हमको बेयरिश जो कैंडल क्लोजर मिला था वो मिला था 60,326, राइट। 60,000 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्लियर आपको लिख देता हूँ, 60,326, ठीक है। ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर जब तक कैंडल क्लोजर मिलता रहेगा तब तक हम यहाँ पर बुलिश रहने वाले हैं, ठीक है। 60,326 के ऊपर जब तक हमको यहाँ पर कैंडल क्लोजर मिलता रहेगा तब तक हम यहाँ पर बुलिश रहने वाले हैं। बेशक यहाँ पर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ जाए, दैट डज नॉट रियली मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जब तक डेली कैंडल क्लोजर अब 60,326 के नीचे नहीं हो जाता तब तक अब हम बेयरिश नहीं होंगे, ठीक है। हमेशा गो विद द रूल्स, राइट, डू नॉट ट्रेड विदाउट रूल्स, राइट। जो चार्ट कहे उसके हिसाब से ही ट्रेड करना चाहिए, कभी भी बायस नहीं होना चाहिए, आई नेवर गो बायस, ठीक है। मैं हमेशा जो भी चीज़ मेरे को चार्ट के ऊपर दिखती है मैं उस चीज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ और आप सब लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि वाई आई एम बेयरिश, क्या प्रोस्पेक्टिव है मेरा बेयरिश होने का, और बुलिश होने का भी अगर प्रोस्पेक्टिव है तो क्या प्रोस्पेक्टिव है। वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए अब हमको यहाँ पर इस लेवल के ऊपर, ये जो प्रीवियस हाइएस्ट जो यहाँ पर जो क्लोजिंग थी इसके ऊपर यहाँ पर कैंडल क्लोजर मिल चुका है बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, दैट इज वाई आई एम बुलिश एट द मोमेंट। और इसी चीज को अगर आप अभी देखेंगे, ये जो रेड कैंडल आज की, अभी तक रेड कैंडल है, अभी तो दिन शुरुआत हुई है, अभी ऊपर जा सकता है मार्केट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसी लेवल को जो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह था ऊपर की तरफ क्रॉस किया और अभी 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 आपके सामने ही यहाँ पर इसने इसको टेस्ट कर ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा गया है, राइट। तो एट द मोमेंट जो बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 62,995 के एकदम नजदीक। और सिमिलर कंडीशन अगर हम बात करेंगे तो इथेरियम के चार्ट के ऊपर भी है। इथेरियम के चार्ट के ऊपर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर जो क्लोजिंग थी, ये जो दो तीन क्लोजिंग यहाँ पर हमको आपने दिख रही है, दिस वॉज राउंड अबाउट 2440 to 2441, राउंड अबाउट दैट लेवल, 2440 2441 समवेयर अराउंड दैट लेवल ये जो क्लोजिंग हमको मिली थी पहले, और जो कि बुलिश कैंडल क्लोज यहाँ पर जो रेजिस्टेंस की तरह थी। और अभी अगर हम देखेंगे तो ऊपर जो है हमको कैंडल क्लोजर मिल चुका है, दिस इज ऑल्सो बुलिश, राइट। अब हम इथेरियम पर कब अगर बेयरिश अगर होना चाहें तो कब हो सकते हैं? देखिए इथेरियम में हम एक ही सिनेरियो में बेयरिश हो सकते हैं, जब हमको यहाँ पर कैंडल क्लोजर इस लेवल के नीचे मिल जाए, मतलब कि 2370, राउंड अबाउट 2370, राइट। इसके नीचे अगर हमको यहाँ पर कैंडल क्लोजर मिलता है तो हम बेयरिश हो सकते हैं, अदरवाइज वी आर बुलिश ऑन इथेरियम एज वेल। तो यहाँ पर सिनेरियो बहुत ही क्लियर है कि अब हम यहाँ पर बेयरिश नहीं हो रहे हैं, अब हम यहाँ पर टोटली बुलिश जा रहे हैं। और अगर हम बुलिश जा रहे हैं और यहाँ पर बुलिश हो रहे हैं तो उस कंडीशन में अब हम
आने वाले वीडियोस में जो भी हमारी एनालिसिस रहेगी वो बुलिश ही रहेगी, और बहुत जल्दी आप सब लोगों को एक वीडियो बनाकर देने वाला हूँ। पॉसिबल ये भी है कि आज ही शाम को आपको एक ये वीडियो मिल जाएगा जिसके अंदर आपको कुछ ऑल्ट कॉइंस जो कि अभी भी मार्केट में नीचे की लेवल पर ही हैं उनको हम यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं, उनको हम यहाँ पर बताने वाले हैं कि इनके अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर आपको इजीली 5x 10x 15x तक के प्रॉफिट्स मिलेंगे। बहुत जल्दी मैं आप सब लोगों के लिए वीडियो लेकर आने वाला हूँ। ऑलरेडी मैं एक वीडियो ऑलरेडी कुछ दिन पहले बना के दे चुका था कि जिसमें मैंने कुछ कॉइन सजेस्ट किए थे। अभी भी अगर हम बात करें तो देखिए कोई रैली नहीं छूटी, कुछ नहीं हुआ, मार्केट अभी भी 63,000 पर ही है, कोई मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ गया नहीं। 63,000 के आसपास बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है, वहीं ट्रेड कर रहा है जहाँ पर कि हमने एक्चुअली में मार्केट में एनालिसिस हम बहुत दिनों से करते हुए आ रहे हैं। हाँ, सिर्फ फर्क सिर्फ इतना है कि हम पहले एक बेरिश परस्पेक्टिव रख रहे थे कि हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ गिर जाए, लेकिन अभी हम यहाँ पर बुलिश परस्पेक्टिव रख रहे हैं क्योंकि हमको ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता हुआ दिख रहा है ना कि नीचे की तरफ। तो यहाँ पर हमने कोई ऐसा नहीं किया कि हमारी कोई रैली छूट गई हो, हमारे को अभी भी बिटकॉइन $63,000 पर ही दिख रहा है, तो इसका मतलब बहुत ही क्लियर है कि यहाँ पर हम जो है वो बुलिश हो सकते हैं और अभी वक्त है हमारे पास बहुत सारा, और यहाँ पर अगर हम बुलिश अगर होते हैं तो हमको एक काफ़ी अच्छा मैसिव प्रॉफिट जो मिल सकता है अगर मार्केट ऊपर जाता है तो, बशर्ते हमको स्टॉप लॉस के साथ ही यहाँ पर रहना होगा, स्टॉप लॉस के बिना हम यहाँ पर नहीं रह सकते, क्योंकि अगर हम बिना स्टॉप लॉस के अगर हम यहाँ पर ट्रेड करते चले जाएंगे तो उस कंडीशन में अगर बाय चांस मार्केट नीचे गिर गया तो वो जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा सिचुएशन। अब हम यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो बातचीत करेंगे जब तक यहाँ पर एक मार्केट में पीक लेवल रीच नहीं हो जाते तब तक हम यहाँ पर बुलिश रहेंगे, फिर उसके बाद वहाँ पर देखेंगे मार्केट का किस तरीके से सिनेरियो रहता है और अकॉर्डिंगली जो है वो एनालिसिस हमारी रहने वाली है अलग अलग कॉइन्स के ऊपर भी। और अब कोशिश करेंगे कि आप सब लोगों के लिए रेगुलर वीडियोज आएँ, और यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आप सब लोगों के लिए एक दिन के अंदर एक वीडियो, दो वीडियो, तीन वीडियो, जितने भी आपको एनालिसिस में दे सकता हूँ, जिन भी कॉइन्स के ऊपर एनालिसिस दे सकता हूँ वो मैं आप सब लोगों को बताऊँगा। तो अब आप सबसे पहले काम कर लीजिए कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसपे हम आपको रेगुलरली अपडेट्स भेजते रहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ हमारा ट्विटर हैंडल है, वहाँ पर भी हम रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं, उसको भी यहाँ पर जो है वो ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको रेगुलरली अपडेट्स जो है वो मिलते रहें और कोई भी अपडेट आप यहाँ पर मिस ना करें, तो ताकि आप पूरा का पूरा यहाँ पर भरपूर फायदा उठा सके क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बुल रन का। अगर मार्केट में यहाँ पर बुलिश रैली अगर आती है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस $1,00,000, $1,25,000 या फिर $1,50,000 तक भी बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है आने वाले वक्त के अंदर। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ होता है, कैसा कुछ रहता है, उस सब चीज़ों के बारे में हम आने वाले वक्त के अंदर आप सब लोगों को एनालिसिस शेयर करते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।